नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमची में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आज एक और बड़ी दुखद खबर आ गई है। वो पूरी खबर क्या है उसकी पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरीके से खबर आई थी कि खेसारी लाल यादव के करीबी जो विकास सिंह वीरप्पन है, उनके पिताजी इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिसके बाद खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित किया था। इस कड़ी में थोड़ी देर बाद एक और बुरी खबर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मिली, और वो खबर ये थी कि जो रवि किशन है, जो कि भोजपुरी अभिनेता और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके भाई का निधन हो गया और हार्ट अटैक के चलते मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो वही आज एक और बुरी खबर आ गई है, और बुरी खबर ये है कि खेसारी लाल यादव के साथ कई सारे फिल्म को डायरेक्ट करने वाले लाल बाबू पंडित, जो कि बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और खेसारी लाल यादव को कई सारी फिल्में दे चुके हैं। तो लाल बाबू पंडित की जो पत्नी है वो इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं, यानी कि उनकी जो पत्नी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और इसकी जानकारी खेसारी लाल यादव के करीबी और हमेशा साथ रहने वाले संजय यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया है। संजय यादव लाल बाबू पंडित और उनकी पत्नी की तस्वीर को साझा करते हुए लिखते हैं, बहुत ही दुख के साथ लिख रहा हूँ कि आज बड़े भाई डायरेक्टर लाल बाबू पंडित भैया अकेले हो गए, भाभी नहीं रही, ओम शांति। तो ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि लाल जी बाबू पंडित जो हैं वो अभी यंग हैं, और इस यंग एज में ही उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई, और तमाम भोजपुरी फिल्मों से वो दर्शकों का दिल कहीं ना कहीं जीत लेते हैं। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी ही दुखद खबर है। बाकी भोजपुरी टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित है।